वीडियो शुरू करने से पहले एक बार, मैं देखता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, तो सब्सक्राइब कर दो। मुझे नहीं पता वो लाल वाला बटन जो देख रहा है आप लोगों को, बस दबा दो, फ्री में मिल रहा है आप लोगों को, बस दबा दो, मज़ा भी आएगा आप लोगों को गारंटी के साथ। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो, जहाँ पे 10 सबसे ज़्यादा बिकने वाले एसयूवी के बारे में बात करेंगे। मई के महीने में उन कार्स की कितनी यूनिट्स बिकी है पूरे देश में, चलिए जान लेते हैं। नंबर 10th पोजिशन पर है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी मई के महीने में 8170 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। प्राइजेस की बात करें तो लगभग 9,78,000 रुपये से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 10,79,000 रुपये तक मिलता है एक शोरूम। उसके बाद 9th पोजीशन पर है किया सोनेट, जिसकी मई के महीने में 8,251 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। प्राइजेस की बात करें तो लगभग 7,79,000 रुपये से शुरू होकर इसका टॉप वेरियंट 14,89,000 रुपये तक मिलता है एक शोरूम। नंबर 8 पोजीशन पर है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, जिसकी मई के महीने में 8,877 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। प्राइसेस की बात करें तो 10,70,000 रुपये से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 19,90,000 रुपये तक मिलता है एक शोरूम प्राइस। 7th पोजीशन पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो, ये सेल स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक दोनों की ही कंबाइंड सेल है। मई के महीने में स्कॉर्पियो की 9,318 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। बात करें प्राइसेस की तो स्कॉर्पियो एन की प्राइस स्टार्ट होता है लगभग 13,60,000 रुपये से और इसका टॉप वेरिएंट मिलता है लगभग 24,52,000 रुपये तक, और क्लासिक की लगभग 13,00,000 रुपये से शुरू होता है प्राइस और टॉप वेरिएंट 16,81,000 रुपये तक मिलता है एक शोरूम। नंबर 6 पोजीशन पर है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, मई के महीने में फ्रॉन्क्स की 9,863 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। बात करें प्राइजेस की तो लगभग 7,47,000 रुपये से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 13,14,000 रुपये तक मिलता है एक शोरूम। 5th पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू, जिसकी मई के महीने में 10,213 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। बात करें प्राइसेस की तो लगभग 7,72,000 रुपये से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 13,18,000 रुपये तक मिलता है एक शोरूम। उसके बाद 4th पोजीशन पर है टाटा पांच, जिसकी मई के महीने में 11,124 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। लगभग 6,00,000 रुपए से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 9,52,000 रुपए तक मिलता है एक शोरूम प्राइस। उसके बाद 3rd पोजीशन पर है मारुति सुजुकी ब्रेजा, जिसकी मई के महीने में 13,398 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। बात करें प्राइसेस की तो लगभग 8,30,000 रुपए से शुरू होकर इसका टॉप वेरियंट 14,15,000 रुपए तक मिलता है एक शोरूम। 2nd पोजीशन पर है टाटा नेक्सॉन, जिसकी मई के महीने में 14,423 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। 7,80,000 रुपए से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 14,50,000 रुपए तक मिलता है एक शोरूम प्राइस। और अब बात करते हैं मई के महीने में सबसे ज़्यादा बिकने वाले एसयूवी के बारे में, तो वो है हुंडई क्रेटा, जिसकी मई के महीने में 14,449 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में। एक शोरूम प्राइस लगभग 10,87,000 रुपये से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 19,20,000 रुपये तक मिलता है। तो ये था वो 10 एसयूवी जो मई के महीने में सबसे ज़्यादा बिका है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।